तो ये बनने जा रहा है जुड़वा अंडे का ऑमलेट। तो ये कोलकाता में काफ़ी फेमस है। एक अंडे में यहाँ पे देख सकते हो दो येलो पार्ट निकलते हैं। तो ये दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो दो पार्ट है यहाँ पे जुड़वा अंडे, आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। तो ये एकदम देसी अंडे का ऑमलेट बनने जा रहा है यहाँ पे पाव के साथ, वो भी भैया असली अंडे ना ये। हाँ असली अंडे, तो सिर्फ कोलकाता में मिलता है ना ये। हाँ तो देख सकते हो जुड़वा अंडे यहाँ पे। तो ये धनिया डल गया, प्याज डल गया, ये आ गया नमक। ये आ गई मिर्ची। तो देख सकते हो ये बन रहा है यहाँ पे ऑमलेट, बहुत ही स्पेशल होने वाला है ये। तो भैया कितने टाइम से लगा रहे हो दुकान? 2001 से। 2001 से, ठीक है। तो भैया कहाँ पे मिलते हैं ये अंडे? सियालदा में। सियालदा में। तो ये देख सकते हो ये आ गया, यहाँ तेल आ गया इनका, सरसों का तेल। और ये आ गया ऑमलेट यहाँ पे। तो ये पाव कहाँ से लेके आते हो? बहुत ही अलग है ये। पाव पहुँचा जाता है, पाव पहुँचा के, पाव पहुँचा जाता है पार्सल। अच्छा, तो ये ब्रेड लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने साइड साइड से काट दिया इसको और ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। भैया कितने की रहती है प्लेट ये? 10 रुपये का ब्रेड, 15 रुपये का ऑमलेट, 25 रुपये टोटल। तो 25 रुपये का ये देख सकते हो यहाँ पे ब्रेड और ऑमलेट लगते हैं यहाँ पे। ये डाल दिए, तो ये डाल दिए मैंने मसाले। भैया टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? 3 बजे से। 3 बजे से कितने बजे तक? 10 बजे। 10 बजे तक रहता है। और छुट्टी किस दिन होती है? संडे। संडे को छुट्टी रहती है। और किसी को ये ट्राई करना हो तो एड्रेस बता दीजिए यहाँ पे, कहाँ पे कोलकाता में? बड़ा बाजार राजा का। तो ये डाल दी भैया ने मसाले। तो देख सकते हो इनका बनाने का स्टाइल। और ये अब लगाएंगे पत्ते में। तो पत्ते में सर्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया। और ये कट कर दिए बीच में से। अब इसमें सॉसेस डालेंगे। तो क्या क्या, कौन सा सॉस डालते हैं भैया? टमाटर सॉस और सरसों का सॉस। सरसों का सॉस, ठीक है। और ये आ गया सरसों का सॉस, ये आ गया मस्टर्ड सॉस और थोड़ा सा प्याज, हरा धनिया। तो ये प्लेट लग चुकी है मेरी, अब इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। ठीक है, ये सरसों का तेल डल गया इसमें। तो हम बनाएंगे देसी अंडे का पाउच। तो देखना इसमें से दो येलो पार्ट निकलेंगे। तो ये सिर्फ आपको कोलकाता में खाने को मिलेगा। देखो एक अंडे के अंदर इसमें दो येलो पार्ट है, इसके योक देख सकते हो, दो योक है इसमें, दोनों जुड़वा भाई यहाँ पे। तो भैया कहाँ से लाते हो ऐसे अंडा? सियालदा। सियालदा से। तो ये लग चुकी है यहाँ पे प्लेट, अब इसको मैं जल्दी से टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कैसे टेस्ट है। तो दोस्तों देसी जुड़वा अंडे का पाव यहाँ पे लग चुका है। तो इन्होंने इसमें एग डाला हुआ है, देसी एग डाला है और इसमें डबल योग था, साथ में इन्होंने थोड़े से मसाले डाले, प्याज डाला है, हर धनिया डाला है। तो इसको टेस्ट कर लेते हुए, तो टेस्ट काफ़ी बढ़िया है इनका। जो पाव है काफ़ी सॉफ्ट है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो इन्होंने मसाले डाले हैं, चटनी डाली है, बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप कोलकाता विजिट कर रहे हो तो इनका मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पाव का ज़रूर टेस्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा है। तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी बनी है, टेस्ट एकदम बैलेंस्ड है, ना ही ज़्यादा नमक है ना ही ज़्यादा मसाले हैं, एकदम नॉर्मल से बनाई भाई ने। हल्के से प्याज डाला है, मिर्ची डाली है, हल्का सा नमक डाला है और काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो अगर आप भी कोलकाता रहते हो या कोलकाता विजिट कर रहे हो तो ये मैं आपको शॉप बता दूं। ये आप हावड़ा ब्रिज देख रहे होंगे आप, तो इसके एकदम सामने लगाया है स्टॉल और भैया इसको काफ़ी टाइम से रन कर रहे हैं। आप भी कोलकाता आ रहे हो तो इनका ये ब्रेड ऑमलेट और ये हाफ फ्राई टेस्ट कर सकते हो। तो इसका प्राइस बता दूं, ब्रेड ऑमलेट का प्राइस है 25 रुपीज़ और इसका प्राइस है 15 रुपीज़। तो काफ़ी सस्ता है, तो और वो भी देसी अंडे का है। तो जल्दी से आइए यहाँ पर टेस्ट कीजिए, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब इसको यहाँ पर जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।